हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम कोएक्सियल केबल के बारे में डिस्कस करेंगे। कोएक्सियल केबल हर किसी ने देखी होगी, जिनके घर में टीवी होगी उन लोगों ने जरूर, या कहीं और भी बहुत जगह पर आपको देखने को मिली होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। कोएक्सियल केबल एक केबल होती है जिसका यूज इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन में किया जाता है। यह एक इलेक्ट्रिकल केबल है जिसमें एक कॉपर का कंडक्टर होता है, मीन्स इसमें एक कॉपर का तार होता है और जिसके चारों ओर एक इंसुलेटर शील्ड होती है। मतलब जैसे ये एक कॉपर का तार है और इसके चारों तरफ ऐसे एक इंसुलेटर का कवर कर दिया गया, मान लो ऊपर से एक लेयर है तो इस तरह से। और एक ब्रेडेड मेटल मैश होती है, मतलब एक मेटल की एक जाली जैसी होती है जो चारों तरफ से होती है, जो सिग्नल के इंटरफेरेंस और क्रॉसटॉक को रोकती है। इंटरफेरेंस मतलब है कि कोई दूसरा सिग्नल उसको डिस्टर्ब ना करे जो केबल में सिग्नल जा रहा है। जैसे आप ये फिगर में आप देख सकते हैं, मैं बनाया है, ये कुछ इस तरह से होती, ब्लैक या वाइट कलर में या दूसरे कलर में भी मार्केट में आती है। तो जैसे ये वाला मेरा जो है, सबसे अंदर एक कॉपर का वायर होता है, कॉपर कंडक्टर इनर जो सबसे अंदर होता है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की जो है वो इंसुलेटर मटेरियल होता है, उसको इसके ऊपर कवर किया जाता है। उसके ऊपर क्या होता है, एक ब्रेडेड मेटल कंडक्टर, मतलब जनरली ये कॉपर का ही होता है, उसके ऊपर एक ऐसी जाली होती है मेटल की, जिसे हम ब्रेडेड मैश बोलते हैं। इस तरह से चारों तरफ से हम आपको वीडियो में भी दिखा देंगे कि किस तरह से होता है। और ये एक ऊपर से प्लास्टिक की लेयर होती है, इस तरह से ये बनता है। तो कोएक्सियल केबल में चार लेयर होते हैं, देखिए, एक तो लेयर ये होती है, ये नंबर टू हो गया और ये नंबर थ्री हो गया और ये नंबर फोर। चार लेयर वाली एक मोटी तार होती है जिसे मैक्सिमम टाइम, कहाँ देखा होगा आपने, टीवी में, टीवी और सेटअप बॉक्स को हम लोग करते हैं ना, जो हमारा छतरी होती है, डिश डिश लगी होती है ये वाली इसे, और इसमें यहाँ पर एलएनबी लगा होता है। तो यहाँ से, और ये जो हमारा सेटअप बॉक्स होता है, इसके बीच में जो केबल होती है वो हमारा कौन सा केबल यूज़ किया जाता है, कोएक्सियल केबल। कौन सा केबल, कोएक्सियल केबल। तो ये सेटअप बॉक्स और टीवी को इंस्टॉल करते हुए आपने देखा होगा, दूसरा इस केबल की हेल्प से टीवी और सेटअप बॉक्स के बीच कनेक्शन किया जाता है। और इसे लगाने से क्या होता है कि जो सिग्नल क्वालिटी है वो अच्छी हो जाती है। पहले टेलीविजन और एंटीना के बीच में एक ट्विस्टेड पेयर वायर यूज़ किया जाता था, जो अब नहीं यूज किया जाता है, उसमें सिग्नल इतना अच्छा नहीं आता था। कोएक्सियल केबल में ज़्यादा अच्छा सिग्नल आता है। तो कोएक्सियल केबल का जो यूज जनरली केबल ऑपरेटर द्वारा, केबल ऑपरेटर के बारे में सभी लोग जानते होंगे, जो एक जगह से सिग्नल आता है और वो केबल द्वारा हर किसी के घर में केबल टीवी से जोड़ दिया जाता है, तो उस पर सारे चैनल आते हैं। तो इस तरह से जो केबल ऑपरेटर होते हैं वो यूज़ करते हैं, टेलीफोन कंपनी यूज़ करती हैं, और दुनिया भर में बहुत सारे जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो इंटरनेट लोगों तक पहुंचाते हैं उनके घरों तक, तो वो सारे लोग ये कोएक्सियल केबल का यूज़ करते हैं। और बाकी जो है डेटा है, ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेशन सर्विस देने के लिए भी ये जो यूज़ किया जाता है, और घरों में भी इसका यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है। कहाँ पर, डिश टीवी में, डिश टीवी में जो छतरी होती है, छतरी और सेट ऑफ बॉक्स के बीच कनेक्शन करने के लिए। जो आप ये केबल देख रहे हैं ना, ये सेट ऑफ बॉक्स है और ये केबल जो है ये वाला, यही होता है हमारा कोएक्सियल केबल, और यही जाता है हमारा डिस्क के पास, जो हमारा डिस एंटीना होता है उसके पास। तो इस तरह से ये जो कोएक्सियल केबल इस तरह से होती है, पूरा रोल आता बड़ा सा, और इसमें देखिए आप, ये ओरिजिनल फोटो है जिसमें ये कॉपर वायर है, फिर ये इंसुलेटर है, फिर ये हमारा ब्रेडेड मैट्स है। ये कॉपर का होता है या एल्युमिनियम या दूसरे मेटल का भी हो सकता है, और ऊपर से ये जो है प्रोटेक्टिव प्लास्टिक की लेयर होती है, या इस तरह से समझ सकते हैं, ये कॉपर का है, ये इंसुलेशन है, फिर ये कॉपर मैश कुछ इस तरह से होती है, पूरा कॉपर की जाली होती है ब्रेडेड, और इसके ऊपर ये आउटर जो इंसुलेशन लेयर होती है। तो अब बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ कोएक्सियल केबल, कि इसके कितने क्लासिफिकेशन है। तो दोस्तों, कोएक्सियल केबल को जनरली तीन कैटेगरी में बांटा गया है। एक होता है RG59, RG59, और एक है RG58, और एक है RG11, ये तीन तरह की। तो ये RG59 में, इसमें इसकी इम्पीडेंस 75 वाट होती है, और इसे सबसे ज़्यादा यूज टीवी में किया जाता है, केबल टीवी में।
एक होता RG59 जिसकी इम्पीडेंस 50 वाट होती है और इसे मुख्य रूप से थिन ईथरनेट में यूज किया जाता है। एक होता है RG11 इसकी इम्पीडेंस भी 50 वाट होती है और इसका मुख्य रूप से थिक ईथरनेट में यूज किया जाता है। इसके बारे में हम दोस्तों अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अब ये देखिए, ये है RG59 केबल, ये वाला जो हमारा टीवी केबल टीवी में यूज़ किया जाता है। ये RG58 है, आप देख सकते हैं, और ये हमारा RG11 है। इसमें कुछ इस तरह से होता है, थोड़ा सा अंतर होता है, एक ये यहाँ पर लेयर होती है और एक ये लेयर होती है इस तरह से। अब बात करते हैं कि इस अंदर इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है। तो कोएक्सियल केबल में हमने पहले ही बता दिया कि चार परतों से ये मिलकर बनी होती है। सबसे पहले कोएक्सियल केबल का जो सबसे इनर मोस्ट पार्ट है, ये वाला, ये जो है, ये हमारा कॉपर वायर का बना होता है। लेकिन कॉपर वाला थोड़ा महंगा पड़ जाता है, इसलिए आज कल एल्युमिनियम या दूसरे एलॉय मटेरियल से भी ये जो हमारा सेंटर कंडक्टर है, ये दूसरे मटेरियल का भी होता है, बना आता है, और वो केबल थोड़ी सी सस्ती होती है, लेकिन उसमें सिग्नल की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो ये कोएक्सियल केबल का मुख्य जो है बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ये वाला, ये मुख्य पार्ट होता है ये वाला, ठीक है। अब इस कॉपर वायर के ऊपर एक इंसुलेटर की लेयर होती है, प्लास्टिक की, वाइट कलर की जनरली होती है ये वाली, ये एक इंसुलेटर मटेरियल होता है। उसके ऊपर, इंसुलेटर के ऊपर एल्युमिनियम या कॉपर की शील्ड लगी होती है इस तरह से। ये पहले कॉपर या एल्युमिनियम का शील्ड होगी और उसके ऊपर ये ब्रेडेड शील्ड होगी। ये भी एक कंडक्टर होता है और इसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये भी, और इन सबसे बाहर, इन सब के बाहर एक आउटर जैकेट या ये प्लास्टिक की होती है, कवर होता है प्लास्टिक का, एक ट्यूब जैसी होती है, उसके ऊपर, इसके ऊपर कवर कर दिया जाता है, इसके ऊपर जो हमारा ब्रेडेड शील्ड है। और ये क्या करता है कि इस केबल को डैमेज होने से बचाता है, ठीक है, या दूसरा इंटरफेरेंस होता है उससे बचाता है, ठीक है। तो ये क्या है, पूरे वायर को सेफ्टी प्रोवाइड करता है, ये प्लास्टिक का ही होता है। अब बात करते हैं कि कोएक्सियल केबल कितने टाइप की होती है। तो एक होता है थिन थिक नेट और एक होता है थिन नेट। तो थिन, जो थिक नेट होता है वो क्या होता है, इस केबल में मेटल कोर है या जो इनर कंडक्टर है, जो इस तरह से ये जो है, इस तरह से ये वाला, ये थोड़ा मोटा होता है, ठीक है, इसकी मोटाई अधिक होती है। और इसकी इनर कोर कंडक्टर की मोटाई अधिक होने के कारण इसमें क्या, कुछ क्या अंतर क्या होता है, जैसे इसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी स्पीड वो ज़्यादा होती है, हाई होती है, और इसको हम अधिक दूरी के लिए सिग्नल को आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं। भाई थिन नेट में क्या होता है कि इस पे जो अंदर वायर है, ये वाला जो इनर कोर है, वो जो है उस कंडक्टर की मोटाई कम होती है, वो मतलब पतला होता है इसके थिक नेट की कंपैरिजन में, और इसकी वजह से इसकी जो फ्रिक्वेंसी स्पीड है वो थोड़ी लो होती है, और इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट डिस्टेंस या 200 मीटर तक अपने जो सिग्नल है उसको आसानी से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसकी वर्किंग ऑफ कोएक्सियल केबल। तो दोस्तों आप इस पूरे वीडियो को पॉज करके सारा लिख लीजिए, और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है, आपके काम में आएगा। एक कोएक्सियल केबल इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों कंडक्टर में करंट फ्लो करती है, ठीक है, जो दोनों हमारे वायर हैं उन दोनों में, इंटर दोनों कोर में, एक सेंट्रल में और एक बाहर वाला जो हमारा मेटल की जो जाली होती है, ये करंट इक्वल और अपोजिट होते हैं, ठीक है, अपोजिट। और इसमें क्या होता है कि इस परिणाम स्वरूप जितने भी फील्ड हैं वो केबल के भीतर ही लिमिट हो जाते हैं, और ये ना तो रेडिएट करता है, सिग्नल को रेडिएट नहीं करता बाहर, और सिग्नल को पिकअप भी नहीं करता है, मतलब इसमें इंटरफेरेंस कम होता है। इसका मतलब है कि केबल के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपेगेशन करके ऑपरेट होती है, लेकिन कोएक्सियल केबल के बाहर कोई फील्ड नहीं है, इसलिए आसपास की बस्तियों से अफेक्टेड नहीं होती है। ऐसा नहीं कि बगल से कोई इलेक्ट्रिक लाइन जा रही है, कोई टेलीफोन लाइन जा रही है, उसकी वजह से इस पर कोई इफेक्ट आ जाए, इसके सिग्नल में कोई इंटरफेरेंस हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। यह उन एप्लीकेशन के लिए आइडियल है जहाँ पर जो रेडियो फ्रिक्वेंसी केबल हैं उनको बिल्डिंग के आसपास या कहीं ऐसी जगह जहाँ पर जो लाइन ऑफ साइट कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, तो वहाँ पर इनका यूज़ किया जाता है, गली गलियों में, कहीं पर भी, क्योंकि इसको आराम से, आसानी से मोड़ा जा सकता है और हम यूज कर सकते हैं, तो इस तरह से इनका यूज किया जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है कि कॉपर कंडक्टर जो है वो एक सेंट्रल कंडक्टर है जिसमें कॉपर होता है, ये वाला, और जिस पर इसी में ही डेटा ट्रांसमिट होता है, इसी जो कंडक्टर है। फिर इसके ऊपर होता है इंसुलेटर, जो मैंने ये ग्रीन कलर से दिखाया, ये वाला,
ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक प्लास्टिक इंसुलेशन जो है, ये कॉपर कनेक्टर के चारों तरफ से ढक लेता है, मतलब ये कॉपर कनेक्टर है, इसको कवर कर लिया है इसको, ठीक है, ढक लेता है, और जो इसके सेंट्रल कंडक्टर और शील्ड के बीच स्पेस को मेंटेन करके रखता है कि इसके और इसके, इन दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस होनी चाहिए उसको मेंटेन करके रखेगा। ऐसा नहीं है, नहीं तो कुछ इंटरफेरेंस वगैरह हो सकता है, ठीक है। ये जो हमारा ब्रेडेड मेटल कंडक्टर है, इस तरह से ये जाली होती है, तो ये क्या है, कॉपर की एक ब्रेडेड मेश जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से बचाने में मदद करती है, ठीक है। और ब्रेडेड कोएक्सियल केबल के अंदर और बाहर जो EMI होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, इसके अगेंस्ट एक बैरियर प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसमें EMI इफेक्ट नहीं आता है, तो इसलिए इसको लगाया जाता है, और इसमें करंट भी फ्लो होती है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं। प्रोटेक्टिव प्लास्टिक लेयर जो ये वाली होती है, बाहर वाली जो प्रोटेक्शन का काम करती है, तो ये एक्सटर्नल पॉलीमर लेयर होती है जिसमें प्लास्टिक की कोटिंग होती है, और इसका यूज इंटरनल लेयर को डैमेज होने से बचाने के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं तो कहीं दीवार वाल में है ये रगड़ जाए कहीं, तो ये डैमेज हो सकता है, तो इसलिए इसको हम यूज करते हैं बारिश में, धूप में, इन सब चीज़ों से, एटमॉस्फेरिक जो डिस्टरबेंस होते हैं उनको उनसे बचाने के लिए प्लास्टिक लेयर का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की, यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। आप देख सकते हैं फिगर में, ये हमारा डिश वाला एंटीना लगा है, और ये देखो LNB लगा है, LNB, तो इसमें देखो ये केबल लगाया गया इस तरह से, और ये हमारा कहाँ जाएगा, सेट ऑफ बॉक्स, सेट ऑफ बॉक्स तक जाएगा ये केबल, और सेट ऑफ बॉक्स से फिर ये TV से कनेक्ट कर दिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा एंटीना और TV या डिजिटल सेट ऑफ बॉक्स को जोड़ने के लिए कोएक्सियल केबल का यूज़ किया जाता है, BCR को TV से जोड़ने के लिए, लेकिन अब BCR का यूज नहीं किया जाता, पुराने ज़माने में किया जाता था, कंप्यूटर के वायर कनेक्टिविटी के लिए, सिक्योरिटी सिस्टम में, है ना, शेयर्ड केबल नेटवर्क में, डिजिटल टेलीफोन नेटवर्क में, और केबल TV नेटवर्क में, इसका सबसे ज़्यादा इसमें यूज होता केबल TV में, और ट्रांसमिशन लाइन फॉर रेडियो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। लेबोरेटरी में जो बहुत सारे टेस्ट इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि हमारा CRO है, DSO है, सिग्नल जनरेटर है, उन सभी में सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के लिए हमारा लैब में ये तरह तरह की जो इक्विपमेंट है, जैसे वेबजेन, DSO और CRO, सिग्नल जनरेटर, फंक्शन जनरेटर, इन सभी में इसका यूज़ किया जाता है। टेस्ट और मेजरमेंट इक्विपमेंट में भी यूज़ किया जाता है, और CCTV में इसका यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से आपने देखा। अब बात करते हैं किसके एडवांटेज की, तो कोएक्सियल केबल के कई सारे एडवांटेज, जैसे कि ये हाई फ्रिक्वेंसी पर बहुत आसानी से वर्क कर सकती है, ठीक है, और इसकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होती है, सस्ता होता है और कन्वीनियंट है, और इजीली हम इसको आराम से यूज भी कर सकते हैं। इस केबल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस है और RFI रेडियो फ्रिक्वेंसी इंटरफेरेंस, ये आपस में नहीं होते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, उसकी वजह से इसकी जो सेंटर कोर होती है उससे और बाहर वाली लेयर से इसमें इंटरफेरेंस नहीं हो पाता है। कोएक्सियल केबल की बैंडविड्थ भी अधिक होती है, जबकि ट्विस्टेड पेयर केबल की बैंडविड्थ कम होती है, उसके कंपेरिजन में इसकी ज़्यादा होती है, तो इसलिए इसमें जो है हाई ट्रांसफ़र रेट भी मिलता है, और सिग्नल को आसानी से हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।